नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक अच्छा खासा हूँ। रेगुलरली वीडियो अपलोड हो रहे हैं अपने चैनल पे। पिछले 2 दिन का गैप लग गया था, उसके बाद में तो मैंने रेगुलर करने की कोशिश की और रेगुलरली धीरे धीरे वीडियो अपलोड हो भी रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेरिजन करेंगे 2 कार्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, जो कि एक तरफ तो आती है अपनी मेड इन इंडिया की टाटा और दूसरी तरफ बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे। और दोनों कंपनियों की सेफ्टी रेटिंग, सॉरी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग भी आ गई। बिल्ड क्वालिटी है वहीं सेफ्टी रेटिंग है, दोनों कंपेरिजन करेंगे लाइव टेस्ट के साथ और लाइव टेस्ट आपको इमेज शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मारुति सुजुकी एक हाई रेटिंग और हाई क्लासिक कंपनी बन गया था कुछ दिनों पहले, 2019 से पहले। अब तो बहुत सारी कंपनी आ गई है और लिस्ट में मारुति सुजुकी का नाम अभी भी टॉप सेलिंग ब्रांड में आता है। दोस्तों, मारुति सुजुकी कार की बात करते हैं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के बारे में बात, तो स्विफ्ट डिजायर की अगर हम बात करते हैं प्राइस कॉम्बिनेशन की, तो इसकी प्राइस 7 लाख से शुरू हो जाती है और ऑन रोड कम्प्लीट RTO इंश्योरेंस वगैरह सब लग के काफ़ी 10-12 लाख तक से ऊपर ही पहुँच जाती है। ऑन रोड प्राइस अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग होता है, क्योंकि सिटी ऑन रोड कम्प्लीट प्राइस डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिटी के टैक्सेज के ऊपर, क्योंकि वो टैक्स अलग अलग सिटी का अलग अलग होता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम जो आज कंपेरिजन में दूसरी कार है वो है मेड इन इंडिया की टाटा की एल्ट्रोज, जिसकी सेफ्टी रेटिंग की बात करते हैं हम, तो उसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है NCAP के अनुसार, और प्राइस कॉम्बिनेशन भी 10 लाख के स्टार्ट हो जाती है और टॉप वेरियंट तक और भी प्राइस इसकी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जो स्विफ्ट डिजायर है उसकी NCAP के अनुसार सेफ्टी रेटिंग है 2 स्टार। तो जो एल्ट्रोज जो भी आप समझ गए होंगे टाटा की, तो उस इंसिडेंट में क्या होता है कि एल्ट्रोज आगे चल रही थी और पीछे से स्विफ्ट डिजायर वाले ने टक्कर मार दी। तो जब स्विफ्ट डिजायर वाले ने टक्कर मारी तो एल्ट्रोज तो शायद नया आया था, अभी तो दूसरा नंबर भी नया आया था। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यार, जो हर एक कार होती है, कोई भी कार हो, उसका जो पीछे का जो बम्पर होता है वो प्लास्टिक का होता है, जाहिर सी बात है। टक्कर लगने के बाद स्विफ्ट का जो आगे का जो बोनट है वो डैमेज हो गया, आपने फोटोज में देखा होगा। और अल्ट्रोज जो टाटा की कंपनी है उसके प्लास्टिक है कुछ भी नहीं, तो जो स्विफ्ट डिजायर थी उसका बोनट में काफ़ी डेंट आ गए थे और मारुति जो टाटा की एल्ट्रोज थी उसके प्लास्टिक तक खरोचों के अलावा उसमें कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई भी कार आप परचेस करो तो उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आप कोई भी कार परचेस करो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बार बार मुझे वीडियो को रिज्यूम यूज करना पड़ रहा है और वापस रिज्यूम करना पड़ रहा है। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में आपको फुली डेडिकेटेड बात नहीं बता पाया, उसके लिए सॉरी। अगर आपके पास कोई भी ऐसे इंसिडेंट का फोटो वीडियो कुछ भी, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी और मेरी इंस्टा आईडी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, फोटो वीडियो कुछ भी है तो आपके ऐसे इस प्रकार के। तो दोस्तों, मिलता हूँ रात को 8 बजे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।